या तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना के लिए एक खास किस्म की गाय के दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों लोग अलग अलग गायों का वीडियो अपलोड करके ये दावा कर रहे हैं कि ये एक खास किस्म की गाय है जिसका नाम पुंगनूर है और इसी का दूध भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक फेसबुक यूजर ने हरे हरे घास के बीच में घूमती एक भूरे रंग की गाय का वीडियो अपलोड कर लिखा, इस गाय की कीमत है 12 करोड़ रुपए और यह प्रतिदिन करीब 100 लीटर दूध देती है। यह पुंगनूर गाय है, केवल इसी गाय के दूध से ही तिरुपति भगवान का अभिषेक होता है। इसे देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी दर्शन कर सकें। इसी तरह से कुछ और फेसबुक यूजर ने भी यही दावा करते हुए एक अलग वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में एक सफेद रंग की गाय को सजाया जा रहा है और उसकी पूजा की जा रही है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी पड़ताल में पाया कि इन वीडियो के साथ किया जा रहा दावा सरासर भ्रामक है। तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट के पास एक बहुत बड़ा फार्म है जहां हजारों नस्ल की गायों का रखरखाव होता है और मंदिर के किसी भी काम के लिए इन सभी गायों का दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इन वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर हमें पता चला कि तिरुमला देवस्थानम एक डेयरी फार्म भी संचालित करता है। जब हमारी बात इस फार्म के डायरेक्टर हरनाथ रेड्डी से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ 3000 से ज्यादा गायें हैं जिनका रखरखाव होता है। रेड्डी ने कहा, हमारे यहाँ ये ज्यादातर ओंगोले, गिर और साहिवाल गायें हैं। इन सभी गायों के दूध का इस्तेमाल ट्रस्ट के सभी कामों में होता है। मंदिर में अभिषेक के लिए भी सभी गायों के दूध का इस्तेमाल होता है। हमारे पास पुंगनूर गाय भी है, लेकिन इस नस्ल की गाय अब बहुत कम रह गई हैं, इसलिए इन्हें बचाने का काम हमारे यहाँ हो रहा है। यह गाय कुछ लीटर दूध ही देती है, लेकिन हमारा मकसद इन्हें बचाना और इनकी सेवा करना है। हमने रेड्डी को वायरल वीडियोस के लिंक्स भी भेजे। वीडियो को देखने के बाद में रेड्डी ने हमें बताया कि इनमें से कोई भी गाय पुंगनूर नस्ल की नहीं है। जो सफेद रंग की गाय है वो ओंगोले गाय है और भूरे रंग की गाय गुजरात की गिर गाय है। उन्होंने हमें यह बताया कि पुंगनूर गाय गायों की नस्ल की सबसे छोटी गाय होती है और ये काफी नाटी होती है। पड़ताल में हमें इंटरनेट पर कुछ रिपोर्ट्स भी मिली जिनके मुताबिक पुंगनूर नस्ल की गाय को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि खास तौर से सिर्फ इसी गाय के दूध के घी से भगवान वेंकटेश्वर का अभिषेक होता है और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मंदिर से जुड़े लोगों ने इसका पूरी तरह खंडन किया है। मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी रवि ने कहा, फार्म पर मौजूद सभी गायों के दूध को मिलाकर ट्रस्ट के सभी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक खास गाय की नस्ल का दूध ही इस्तेमाल होता है किसी एक खास काम के लिए। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम अपनी पड़ताल और मंदिर से संबंधित लोगों से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वीडियो के साथ वायरल हो रहा दावा सरासर गलत है। मंदिर के कामों के लिए सभी गायों के दूध का इस्तेमाल होता है और वहीं यह दावा कि सिर्फ पुंगनूर गाय के दूध का ही अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता है, यह सरासर गलत है।